वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ सेलेक्ट कॉस्ट का हॉल। सो ये होगा फोर्थ पार्ट एंड ये एंड पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं आपके साथ शेयर करने के लिए लाइक सेलेक्ट कॉस्ट का। बस तो ये होगा फोर्थ पार्ट एंड इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं एंड जो भी डिटेल्स हैं सब मैंने प्रोवाइड कर रखी है अपनी पहले की वीडियोज़ में। तो वो सब वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वीडियो के एंड में। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप उनमें चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे शॉपिंग स्टार्ट होगी 26 फरवरी से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। सबसे फर्स्ट है ये स्वेटर एंड ये मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है। तो जो स्वेटर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। प्योर वुलन का है एंड कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं। वैसे ज़्यादातर अगर आप कार्डिगन लोगे स्वेटर इस टाइप के तो आपको बटन्स नहीं मिलते हैं, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एज यू कैन सी वुलन का है एंड इस पर जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। एंड इसका प्राइस था आई थिंक 240 या 260 समथिंग। और इसमें कलर भी थे तो मैंने ग्रे कलर चूज़ किया, कॉज मुझे ग्रे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड यहाँ पे से बटन्स दिए हुए हैं। सो या ये है एंड इसमें वन साइज था, बट ये एम और एल वालों को बहुत सही तरीके से आ जाएगा, फिटिंग बहुत अच्छी है इसकी। सो फर्स्ट है ये प्रोडक्ट। सेकेंड है ये टॉप एंड ये मेरे पास सेम ग्रे कलर में है जो कि मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था। तो मुझे ये सेम मेरे को लेना था क्योंकि मैं क्वालिटी चेक करना चाहती थी कि अगर प्राइस कम है। ये मैंने 180 में लिया है और क्लब फैक्ट्री से मैंने 400 समथिंग में लिया था। तो मुझे क्वालिटी देखनी थी कि क्वालिटी कैसी आती है, बट क्वालिटी बिल्कुल सेम है। कॉज ये सब जो है क्लब फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स एंड इसके प्रोडक्ट्स सब एक ही फैक्ट्री से बनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग फैक्ट्री, सब एक ही जगह बनता है। तो क्वालिटी इज़ लाइक बिल्कुल सेम टू सेम। एंड मेश टाइप का टॉप है ये, ब्लैक में लिया है मैंने इस टाइम। इसमें वाइट, ग्रे एंड ब्लैक था। मुझे ये टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसलिए मैंने दोबारा परचेज़ किया। इसमें पॉकेट्स भी दे रखी हैं एंड बटन स्टाइल में है एंड नीचे से ये राउंड में है, इफ़ यू कैन सी ये राउंड में है एंड 3/4 स्लीव्स हैं एंड मेश में है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा ये टॉप, आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो। इस टॉप के लिए थम्स अप है 180 रुपीज़ में तो बिल्कुल। नेक्स्ट ये किचन का प्रोडक्ट, ये है लाइक गरम बर्तन होते हैं तो उसको पकड़ने के लिए। तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बैक साइड से ये ऐसे करके बंद हो जाता है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये है 30 रुपीज़ का। तो यार रैंडम ब्लैक कलर आया है मेरे पास, इसमें कलर्स भी थे आई थिंक, तो मुझे अच्छा लगा है 30 रुपीज़ के हिसाब से। नेक्स्ट ये दो प्रोडक्ट, ये है स्टिच डबल साइड मेकअप कॉटन। तो आप देख सकते हो ये स्टिच्ड फॉर्म में है, यहाँ पे स्टिचिंग हो रखी है और ये बहुत मोटे वाले होते हैं, जैसे कि आपके आई मेकअप वगैरह अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने लिया है। वैसे मैं अपने फेस पे पतले वाले वाइप्स से ही रिमूव करती हूँ, बट फॉर आई मेकअप मैंने ये परचेज किया है। इसका प्राइस है 38 रुपीज़। और जब आप इसको ओपन कर लोगे तो आप इसको ऐसे करके बंद कर सकते हो। अभी मैं ओपन नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेकअप वाइप्स पड़े हुए हैं अभी ऑलरेडी। तो ये 38 रुपीज़ में 100 पीसेज आपको मिल जाएंगे। So, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद ये एपिक रोलर, तो ये है बहुत ही वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट। इसमें मैंने 30 रुपीज़ का लिया, मेरे पैसे वेस्ट गए क्योंकि ये एक बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है, इससे कुछ भी नहीं होता है। ये है आपके अपर लिप्स रिमूव करने के लिए, फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, बट जब मैं इसको रोल करती हूँ कुछ नहीं होता है, नथिंग, मतलब एक सिंगल बाल भी नहीं निकलता है इससे मेरे फेस का। और ये आई डोंट नो यहाँ से प्रेस भी नहीं होता है ना, इसको रोल करने से कुछ होता है, तो वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपको ये दिख रहा है तो आप मत लेना, मैंने ये 20 से 30 समथिंग में लिया था। उसके बाद देखिए ये बैग एंड ये नोटबुक। तो ये नोटबुक जो है ये थोड़ी सी उल्टी टाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हो नोटबुक लिखा हुआ है उल्टा और यहाँ पे आप देख सकते हो डेट लिखा हुआ है, तो ये उल्टा सीधा का उन्होंने पता नहीं क्या किया है। एंड बैक साइड से ये सीधा है, अगर मैं बैक साइड से ओपन करूँ तो बिल्कुल सही है, बट फ्रंट से ये उल्टी है। तो ये मैंने 38 रुपीज़ की ली थी। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, लाइक फ्रंट की भी एंड जो पेजेस है उसकी भी, और पेजेस भी आई थिंक 100 से अबव पेजेस हैं इसके अंदर। तो या नोटबुक बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे, इस टाइप की नोटबुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद है ये बैग एंड ये लिया है मैंने अपने ब्रदर के लिए 350 रुपीज़ का। ये बैग है, आप फ्रंट में इसको टांग सकते हो, यहाँ पे हैंडल्स दिए हुए हैं, आप इसको अपने चेस्ट के साइड में टांग सकते हो और यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हो आप, उसके बाद अपना फ़ोन यहाँ पे भी रख सकते हो और अपना वॉलेट, क्योंकि आजकल जैसे अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो या ट्रेन में ट्रैवल करते हो ऑफिस जाने के लिए, तो उनके साथ बहुतों के साथ ऐसा होता है कि उनके फ़ोन चोरी हो जाते हैं। मेरे भाई के साथ भी हुआ था, उसने 1+60 लिया था और 10 डेज़ बाद ही मेट्रो में पॉकेट से किसी ने चोरी कर लिया था फ़ोन, तो इसलिए उसने दोबारा 1+60 लिया है एंड फिर उसने ये बैग परचेज़ किया कि मैं इसके अंदर अपना फ़ोन रखूँगा। यहाँ पे चेन है, आप इसके अंदर फ़ोन, अपना वॉलेट रख के इसको बंद कर सकते हो और ऐसे करके कैरी कर सकते हो। जो मेट्रो में ट्रैवल करती हैं गर्ल्स या बॉयज़, उनको ज़रूर इस टाइप के बैग रखने चाहिए और उसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हो, लाइक वॉलेट एंड फ़ोन, ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल रखनी चाहिए क्योंकि मेट्रो में गर्ल्स भी बहुत होती हैं जो
उस टाइप की होती हैं चोरी करने वाली, एंड बॉयज़ तो होते ही हैं, तो इसीलिए 350 रुपीज़ का है, बहुत ही सही प्रोडक्ट है ये। एंड या अच्छा लगा मुझे ये बैग, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो आई होप आपको ये हॉल वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।